नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए, हम लोग जो इंसेक्ट बेस्ड होते हैं अलग अलग क्रॉप के, तो उससे रिलेटेड एक ट्रिक लेके आ रहे थे कि कैसे हम लोग उसका साइंटिफिक नेम याद कर पाएँ। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक ट्रिक है और आज हम लोग जिस क्रॉप के इंसेक्ट पेस्ट के साइंटिफिक नेम को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, उस क्रॉप का नाम है कॉटन। ठीक है, व्हाइट गोल्ड बोला जाता है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इसके पेस्ट हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें है वो है अमेरिकन बॉल वर्म। तीन भाई हैं, सबसे पहले का नाम है अमेरिकन बॉल वर्म, दूसरे का नाम है पिंक बॉल वर्म और तीसरे का नाम है स्पॉटेड बॉल वर्म। तो इन्हीं तीनों भाइयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इनको हम इनकी जो इनका जो साइंटिफिक नेम है उसको कैसे याद कर लें कि ये ज़िंदगी में मेरे से ना भूलें, हम लोग से ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें है अमेरिकन बॉल वर्म, कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। तो देखिए, ये जो तीनों भाई हैं जिनका नाम है अमेरिकन बॉल वर्म, पिंक बॉल वर्म और स्पॉटेड बॉल वर्म, तो जो अमेरिकन बॉल वर्म है ये रहता है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में रहता है तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है। अब जब पैसे वाला है तो ये क्या किया है कि हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। ठीक है, हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया है और लैपी भी ले लिया है। लैपी ले लिया है मतलब लैपटॉप ले लिया है, उसे हम लोग बोलते हैं लैपी। ठीक है, बस उसी से हमें याद करने लेना है कि लैपी ले लिया है, यानी लेपिडोप्टेरा भी का ऑर्डर है, ऑर्डर में ये आता है अमेरिकन बॉल वर्म। और ये अमेरिकन है, पैसे वाला है, इस वजह से चलता है हेलीकॉप्टर से और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं, पिंक बॉल वर्म। पिंक बॉल वर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो पैक्टिनोपोरा गॉसिपिल्ला है और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। अमेरिकन का भाई ही है ये पिंक, तो इस वजह से अगर उसके पास लैपी है तो इसके पास भी लैपी रहेगा। ठीक है, भूलना नहीं है, अगर तीनों भाई हैं तो तीनों के पास लैपी होगा, इस वजह से तीनों का जो ऑर्डर होगा लेपिडोप्टेरा ही होगा, ज़िंदगी में मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पिंक बॉल वर्म जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पैक्टिनोपोरा गॉसिपिल्ला है। कैसे याद करोगे, देखिए पिंक एक मूवी आई थी, जो मूवी थी वो तीन लड़कियों की कहानी थी। ठीक है, तो पिंक मूवी हो गया और पैक्टिनोपोरा में टीनो लिखा है, यानी तीनों लिखा है, तीनों तीन लड़कियों की कहानी है, तो इसी तरह इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है तो पी से पिंक है और पी से पैक्टिनोपोरा है, तो इससे भी याद कर लीजिएगा। बाकी लैपी तो याद ही हो गया है, लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होगा क्योंकि ये अमेरिकन का, वह अमेरिकन बॉलवर्म का भाई है, उसके पास लैपटॉप है, लैपी है, तो इसके पास भी लैपी ही होगा। ठीक है, अगला जो है स्पॉटेड बॉलवर्म है, स्पॉटेड बॉलवर्म है, ये भी उन्हीं का भाई है अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, तो इसके पास भी लैपी होगा, यानी ये भी लेपिडोप्टेरा का ही होगा ए पेस्ट, इसके यानी इसका भी ऑर्डर जो होगा वो लेपिडोप्टेरा ही होगा। अब देखिए, स्पॉट है, स्पॉटेड से हमें स्पॉट लिया और इरियास इंसुलाना इसका साइंटिफिक नेम है, तो इससे हम लोग ईयर ले लिए। और देखिए बगल में हमने एक में फोटो भी लगा दिया है, इसके ईयर में एक स्पॉट है। ठीक है, जो स्पॉटेड बॉलवर्म है, एज वाला जो भाई है, इसके ईयर में एक स्पॉट है, इस वजह से इसे इरियास इंसुलाना बोला गया, जस्ट याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, तो स्पॉटेड बॉलवर्म स्पॉट है, कहाँ है, ईयर में है, बस इसी से कोरिलेट कर लेना है, याद हो जाएगा आपको। इस तरह से जो तीनों बॉलवर्म हैं, अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म और स्पॉटेड बॉलवर्म, तीनों के पास लैपी है, यानी लेपिडोप्टेरा है। ठीक है, ऑर्डर इनका लेपिडोप्टेरा होगा। अगला जो पेस्ट है कॉटन का वो है कॉटन व्हाइट फ्लाई। कॉटन व्हाइट फ्लाई कैसे याद करोगे,
देखिए बहुत ही बढ़िया है, इसमें भी एक ट्रिक अच्छी सी है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बेमेसिया टबेकाई है। कैसे याद करोगे? अब देखिए वाइट वाइट है, वाइट है यानी मान लीजिए कोई बर्तन है उसे हमें वाइट करना है, तो हम लोग कैसे उसको धुलेंगे? बिम से धुलेंगे। देखिए फोटो भी बगल में लगा दिया हूँ कि आप लोग कोरिलेट कर लीजिए कि बिम से धुलेंगे उस बर्तन को, क्या करने के लिए? वाइट करने के लिए। बस बेमेसिया से हमने बिम ले लिया। देखिए स्पेलिंग अलग है बिम का, लेकिन बोलोगे तो वही बिम बार, ठीक है, तो बोलते हैं, तो बिम ले लिया। तो उसी से कोरिलेट कर लीजिएगा कि अगर कॉटन वाइट फ्लाई हमें याद करना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो साइंटिफिक नेम तो है बेमेसिया टबेकाई, तो कॉटन वाइट फ्लाई, तो वाइट ले लिए, वाइट पे हम लोग कंसंट्रेट किए और वाइट समझ, और बेमेसिया में हम लोग बिम पे कंसंट्रेट करें, यानी हम लोग जस्ट दिमाग में अपने ये सोचे कि बिम है, बिम बार है जिससे बर्तन धुला जाता है और बर्तन को एकदम चमकाने के लिए, वाइट करने के लिए धुला जाता है, ठीक है। बस उसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, ठीक है। और जो इसका ऑर्डर जो है हेमिप्टेरा ही है, आगे जो भी आएगा एक को छोड़ के अभी आगे आपको मिलेगा, सारे के सारे हेमिप्टेरा ही है, और बाकी ऊपर जो तीनों बालवर्म थे वो लेपिडोप्टेरा के थे। एक और है जो यहाँ अभी मैं दिखा दूँगा आपको लास्ट में, यहाँ कॉटन लीफ रोलर जो है ये भी लेपिडोप्टेरा का है, बाकी सब हेमिप्टेरन है। तो ये भी इसी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो कॉटन वाइट फ्लाई आपको याद हो गया कि इसका साइंटिफिक नेम तो याद ही हो गया होगा अच्छे से, ऑर्डर हेमिप्टेरा है। नहीं याद हो रहा है तो वाइट में एच आई है और हेमी में भी एच ई है, तो मतलब एच आई एच ई दोनों से कोरिलेट करके हेमिप्टेरा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो इंसेक्ट पेस्ट है कॉटन का वो है कॉटन जैसिड, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए याद करने के लिए हमने मतलब कुछ ऐसा नहीं छोड़ा कि एकदम आपको याद ना हो, हर हालत में याद हो जाएगा, ठीक है, कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए कॉटन जैसिड, जैसिड से हमने ले लिया 80, ए डबल एस आई 80, 80 घाट है एक, कहाँ है ये? वाराणसी में है। कभी अगर कोई BHU में पढ़ रहा होगा ना तो उससे पूछेगा 80 घाट कहाँ है, तो कहेंगे वाराणसी में है, ठीक है। तब वाराणसी में है 80 घाट, इसको अब हम कोरिलेट करेंगे इसके साइंटिफिक नेम से, कैसे उसको याद करेंगे? देखिए साइंटिफिक नेम में इसके है एम रेस्का बाई गुट टुल्ला, कैसे याद करोगे? अब देखो 80 घाट पे जो जाएगा वो अमर हो जाएगा, ठीक है, 80 घाट पे जो जाएगा वो अमर हो जाएगा। बस यही से आपको ट्रिक पता चल गया, जैसिड से 80 घाट जस्ट इमेजिन किए और एम रस्का से अमर अलग कर लिए, यानी जो 80 घाट पे जाएगा वो अमर हो जाएगा। बस इसी ट्रिक को फॉलो करिएगा, कभी नहीं भूलेगा यार, ठीक है। ऑर्डर जो है वो हेमिप्टेरा ही रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, रेड कॉटन बग, कैसे याद करोगे इसके जो पेस्ट है इसका साइंटिफिक नेम कैसे याद करोगे? देखिए रेड कॉटन बग, रेड कॉटन बग से हमने रेड को एकदम रेड पे ध्यान लगाया, कंसंट्रेट किया रेड पे। इसका साइंटिफिक नेम है डिस डेरकस सिंग्यूलेटस, ठीक है। अब डिस है डर है, ठीक है, डर डिस डरकस, ठीक है। अब डर डिस डरकस में डर को हम लोग ले लिए, ठीक है। अब रेड को हम लोग थोड़ा उल्टा पढ़ रहे हैं, डी ई आर, इस तरह से इधर भी डर हो गया और इधर भी डर हो गया, इसी से हमें कोरिलेट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। ऑर्डर हेमिप्टेरा ही रहेगा। अब देखिए अगला जो पेस्ट है कॉटन का वो है डस्की कॉटन बग, ठीक है। अब डस्की कॉटन बग का जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑक्सी कैरेनस लेटस। अब इसको याद करने के लिए क्या करोगे? डस्की से हमें
ट्रिक बनाना है स्काई डस्किस के से, हमको स्काई अलग कर लेना है और उसी पे हमें फोकस करना है। और ऑक्सीकैरिनस में हमें क्या करना है, ऑक्सी पे फोकस करना है। ऑक्सी मतलब हम लोग मान लिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है, इस वातावरण में है, इस आकाश में है, इस स्काई में है, ठीक है। बस इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, स्काई है तो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सी है, बस इसी से आपको इसका साइंटिफिक नेम याद ही हो जाएगा, हर हालत में याद हो जाएगा, नहीं भूलेगा यार। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं भूलेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस तो होना ही होना है। ऑर्डर है हेमिप्टेरा। अगला जो पेस्ट है इसका है वो है कॉटन लीफ रोलर। रोलर रोल करना यानी लपेट देना, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है सिल लेप्टा डेरोगेटा, ठीक है। बस यही बन गया ट्रिक, रोल कर दिए, लपेट दिए, और सिल लेप्टा से हमें लेप्टा याद कर दिए, याद कर लिए, यानी लेप्टा मतलब लपेट, और लपेट यानी रोल, बस यही ट्रिक बन गया और इसी से आपको याद हो जाएगा। और लेप्टा में ही छुपा हुआ है लेपिडोप्टेरा, कभी नहीं भूलेगा यार, बस ऐसे ही किसी तरह से बस पढ़ लिया कीजिए, ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ट्रिक तो इतनी ज़्यादा लेके आऊँगा ना कि मतलब मज़ा आ जाएगा पूरा एग्रीकल्चर पढ़ने में, आप लोग को भी याद करोगे कि क्या मज़ा आ गया यार, क्या ज़बरदस्त एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें रट गई, ठीक है। तो चलिए, कॉटन लीफ रोलर में रोल का मतलब होता है लपेटना, और इसका जो साइंटिफिक नेम है सी लेप्टा डेरोगेटा। तो लेप्टा यानी लपेटा, तो लेप्टा पे हम लोग सी लेप्टा में, लेप्टा पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, और लेप्टा में ही लेपिडोप्टेरा भी छुपा हुआ है, इसका ऑर्डर भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये जितने भी इंसेक्ट पेस्ट इसके बारे में बताया गया है कॉटन के सारे याद ही हो गए होंगे। आगे भी इससे भी बढ़िया ट्रिक लेके आऊँगा और आपको पूरा एग्रीकल्चर ऐसे ही रट जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ शेयर तो ज़रूर कर दिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, कर दिया कीजिए यार, थैंक यू।